हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजमा की रेसिपी ले आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाने की मैं बनाऊंगी, जैसे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और हेल्दी डिश बने। ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा मसाले वगैरह मैं नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि मेरे घर में सभी लोगों को हेल्दी खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल गर्म करूँगी, उसमें लौंग और इलायची और काली मिर्च डाल दी हूँ। इसे हल्का सा चटक जाने देंगे। फिर हम इसमें लहसुन और मिर्च डालेंगे। लहसुन और मिर्च और जीरा, काली मिर्च, ये पक जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, तो फिर हम प्याज डाल देंगे। और इसे लाल होने तक भूनूंगा। अब जब ये प्याज को जल्दी भूनने के लिए हमें क्या है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना होगा। पूरा नमक मत डालिए, आधा डाल दीजिए, आधा बाद में डाल दीजिएगा। फिर स्वाद से प्याज आपका जल्दी भून जाएगा। और इसके साथ हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। फिर राजमे से गैस नहीं बनती है, और राजमा बढ़िया से आपको मतलब गैस नहीं बनने देगा। अब जब आपका प्याज थोड़ा लाल सा हो जाए, इसके बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। और इसे भून लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये मेरी क्यारी के कटे टमाटर हैं, जो मैंने अपनी क्यारी में उगाए थे। छोटे छोटे टमाटर, बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो मैंने सोचा अपनी रेसिपी में इसको डालूँ। ताज़े टमाटर मैं अपनी क्यारी से तोड़ के ले आऊँ। किसी दिन मैं आपको अपनी क्यारी भी दिखाऊँगी, जो मैंने किचन गार्डन अपना बनाया छोटा सा। इसमें मैंने धनिया, शिमला मिर्च, भिंडी, टमाटर और सहजन की फली भी लगा रखी है, और मेरे केले में केले भी आ रहे हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये टमाटर और प्याज अच्छे से भून गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, हल्दी आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा राजमा मसाला, आधा चम्मच राजमा मसाला, और कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर पकाएंगे, जैसे कि सूखे मसाले जल ना जाए, इसलिए हम थोड़ा पानी डाल देंगे, जैसे कि वो जले ना और उसका स्वाद ख़त्म ना हो। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये भूनते हुए जब तेल छोड़ने लगे कढ़ाई, तब तक हम इसे भूनेंगे और अच्छे से चला कर जो दबा दबा के चला देंगे, जैसे कि अच्छे से सब चीज़ें पिस जाएँ, क्योंकि हमने इसमें पिसा हुआ मसाला नहीं इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें थोड़ा अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो अब ये लगभग लगभग भून गए हैं। अब ये मसाला काफ़ी देर से पक चुका है, अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें ये अपने राजमा, मैंने उबाल के रखे थे एक कटोरी राजमा, मैंने जो है नमक के पानी में उबाला था, इसको उबाल के रख के छान लिया है मैंने इसको, और अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी उबले राजमा, और इसे चला लेंगे। इसे ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, क्योंकि राजमा जब टूट जाता है तो स्वाद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बहुत आराम आराम से इसको ऊपर नीचे करके चलाएंगे। और अब ये अच्छे से भून गया, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अपने चावल से कल खाना है, उसके हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। हमारे यहाँ राजमा चावल ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं सभी बच्चे, तो मैं उसके हिसाब से पानी डालूंगी। और इसे ढककर रख देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक ये अच्छे से मसाला इसका अच्छे से ना हो, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक इसको हम ढक के पका लेंगे। इसको ढक के पका लेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, देख लीजिएगा, मैंने खोल के इसको देखा, और लगभग ये पक गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, एकदम बढ़िया कलर। और इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि इसे थोड़ी देर और पकने देना चाहिए। इसे कुल मिला के भी 4 मिनट हुए हैं पकते हुए, मुझे लग रहा है अभी 2-3 मिनट और पकाना पड़ेगा। इसे ढक के मैं 3 मिनट और पकाऊंगी। अब सब्जी को पकते हुए 10 मिनट करीब हो चुके हैं लगभग, अब ये सब्जी एकदम रेडी हो गई। अब आप अपने
किसी भी सर्विंग बाउल में से सर्व कर सकते हैं। ये लीजिए आपका राजमा तैयार हो गया और इसे आप अपने सर्व करें अपनी मनचाही उसमें। इस तरीके से हमने राजमा चावल तैयार कर लिया, अपने राजमा तैयार कर लिया।